गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास। टुडे डेट इज स्टूडेंट 7 अप्रैल 2021 एंड आई एम टीचिंग यू चैप्टर नंबर 1, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। So student, let do little recapitulation. In my previous video, I give you complete summary of the chapter. What are the things we will study in this chapter? ठीक है, इससे previous video में मैंने आपको complete summary बताई थी chapter की, कि इस chapter में what are the things you will understand in this chapter. ठीक है, एंड लेट डू लिटिल रिकैप्चुलेशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। रिकैप्चुलेशन होता है जो पहला पढ़ाई था, बातें मैंने जो आपको पहले बताई थी उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर बुक फिर वन बाय वन और जितने भी आपके बुक्स में स्टेप्स दिए हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द टॉपिक्स वन बाय वन। सो रिकैप्चुलेशन, देर आर मैनी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग एज यू नो स्टूडेंट, कि हमारी सराउंडिंग्स में हमारे अगल बगल बहुत सी चीज़ें हैं, तो कि हमने क्या किया इन थिंग्स को दो कैटेगरी में, या आप बोल सकते हो कि वी हैव डिवाइडेड दिस थिंग्स इन टू टू कैटेगरी, और यू कैन ऑल्सो से दैट वी डिवाइडेड दिस इन टू टू ग्रुप्स। एक का नाम बोल दिया लिविंग थिंग्स, एक का नाम हमने रख दिया नॉन लिविंग थिंग्स। इज इट क्लियर? सो वन हो गया लिविंग थिंग्स और एक को आपका हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब नाउ स्टूडेंट आफ्टर दैट व्हाट इज द लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स, इसका मैंने डायग्राम बना के भी आपको इससे प्रीवियस वीडियो में दिखाया था, व्हाट आर द लिविंग थिंग्स एंड व्हाट आर द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, दैट आई होप व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग इज क्लियर टू यू। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स आएंगे आपके, एनिमल्स आएंगे, ह्यूमन बींग्स आएंगे, एंड वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स देन नॉन लिविंग थिंग इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स, दैट इज नेचुरल लिविंग थिंग्स एंड वन इज मैन मेड। नेचुरल मीन्स द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर, ऐसी चीजें जो नेचर में प्रेजेंट है, हमने नहीं उन्हें बनाया। माउंटेन्स, sunlight, water, soil, clouds, what are these? These are the natural things which are present in the nature. Is it clear? And another category is the man-made thing. In present time, you see that we have made our life more comfortable and easier due to advancement of science and technology. हमने बहुत से इन्वेंशन कर लिए, आज घर में हमारे पास एक से एक थिंग्स हैं विच मेक आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल। ओल्ड टाइम में पीपल कुक फूड ऑन कोल और विद द हेल्प ऑफ द वुड, बट नाउ वी आर यूजिंग एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टू कुक द फूड। देर इज नो स्मोक, कोई धुआं नहीं होता है। सो ये सब हमारे इन्वेंशंस हैं, हमने मैन मेड थिंग्स हैं ये, जिसने हमारी लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल बना दिया। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स की दो कैटेगरी हमने डिस्कस कर ली, एक हो गई नेचुरल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड अनदर इज द मैन मेड थिंग्स विच आर मेड बाई अस। ओके, नाउ आफ्टर दैट with the help of the diagrams in a previous video, many diagrams I have shown in the video, draw on the board, and by seeing that diagram
you all are able to make a difference between a living and non-living things. Now, today I start with your book, because previous videos I give you a complete summary. एक summary बताई थी कि इस chapter में क्या क्या पढ़ना है. आज हम book में point wise जो topics दिए हैं, according to the topic, I give you the explanation of the chapter. First topic given in your book is living things need food. This is our first topic given in your book. Yes, it is very true that all the living things need food. Without food, because why we eat food, student? We eat food because food give us energy. By eating the food, we are getting the energy to perform different types of activities in our day-to-day life. Is it clear? So what does the role of eating the food? The role of eating the food is that food give us energy. Okay? फूड प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी एंड हेल्प इट टू ग्रो. और जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है, हमारी बॉडी, अभी आप छोटे हो, आपकी हाइट बढ़ रही है, आप ग्रोइंग स्टेज में हो, ठीक है, तो एनर्जी भी फूड से मिलती है और फूड से हमारी ग्रोथ भी होती है. डैट इज द रीजन स्टूडेंट, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए. और छोटे बच्चों को तो सबसे ज़्यादा आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत होना चाहिए. और स्पेशली स्मॉल किड्स, डेली यू ड्रिंक 2 glasses ऑफ मिल्क. मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. ओके, सो डेली आप छोटे बच्चे हो, आपको मिल्क पीना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी की क्या होगी, ग्रोथ होगी. और फूड खाने से हम लोग क्या होते हैं, वी स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. क्योंकि देखो, फूड के मैंने क्लास 3 में तुम्हें न्यूट्रेंट्स, व्हाट आर न्यूट्रेंट्स, दीज आर द न्यूट्रेंट्स विच वी आर गेटिंग बाय ईटिंग द फूड. और न्यूट्रेंट्स के अलग अलग ग्रुप मैंने एक्सप्लेन किए थे, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, एंड मिनरल्स. We are getting all these nutrients by eating the food. कार्बोहाइड्रेट याद आ रहा आपको, फूड वी ईट में मैंने बताया था एनर्जी गिविंग फूड. इज इट क्लियर? वी डू डिफरेंट वर्क इन आवर डे टू डे लाइफ, तो उसके लिए जो एनर्जी मिलती है हमको, वो हमें ऐसे फूड से मिलती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन. प्रोटीन के बारे में मैंने बताया था, बॉडी बिल्डिंग फूड है, क्योंकि हमारे बॉडी क्या है, आवर बॉडी इज मेड ऑफ मेनी पार्ट्स आर इन आवर बॉडी, पार्ट्स बोलो या ऑर्गन्स, ठीक है, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. सो बॉडी बिल्डिंग फूड इसलिए बोला गया है, क्योंकि ये जो तुम्हारे पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ये बन किससे रहे हैं, प्रोटीन से, ठीक है. आपको वर्क करने के लिए जो एनर्जी देता है, वो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन जो आपके बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं, ये किससे होता है, प्रोटीन फूड में, जो प्रोटीन हम लोग ईट करते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला गया है. विटामिन्स एंड मिनरल्स, दे आर ऑल्सो वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, बिकॉज ये हमें डिफरेंट डिजीजेस से बचाते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं,
and we are getting this by eating green vegetables and fruits. Is it clear? जिससे कि आप फूड लेते हो तो फूड आपको एनर्जी भी देता है, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, और बैलेंस डाइट आप ले रहे हो बेटा तो आपकी बॉडी हेल्दी भी रहती है. इज इट क्लियर? सो दैट इज द रीजन वी ईट फूड. फूड हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हाउ स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. ठीक है, इफ यू आर टेकिंग द बैलेंस डाइट तो आप स्ट्रॉन्ग भी होगे, हेल्दी भी होगे, आपकी ग्रोथ भी होगी. इज इट क्लियर? सो नाउ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल कैनॉट मेक देयर ओन फूड, सो दे टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था. जब हम लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो इट्स डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरी. प्लांट्स आ गए, एनिमल्स हैं, एंड ह्यूमन बींग्स. सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको बताया था. प्लांट्स क्या है? दे आर प्रोड्यूसर्स. एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, वी आर कंज्यूमर्स. इज इट क्लियर? They are producers and we are consumer. Because plant can prepare their own food and that process is known as a photosynthesis. This time I am not explaining the process. Because in the next chapter when it will come, when I will teach you plants and parts of plant, at that time I give you full explanation of the process of photosynthesis. But this time just put this in your mind that plants are producer. Why? Because they can prepare their own food. And animals and human beings, we are directly or indirectly depend upon plants for our food. ठीक है, और देखो जब मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि दे जो मेनी थिंग्स आर इन द सराउंडिंग, वन इज द लिविंग, another is a non-living. ये बात मैंने आपको बताई थी. ठीक है, सो पर बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू अंडरस्टैंड, देखो जितनी भी लिविंग थिंग्स है जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग, इनकी लाइफ, द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द non-living things. They play a very important role for these living things. What does it mean? मैंने क्या बोला कि बहुत सी चीजें हमने बोला non-living thing है. Non-living thing मतलब ये नहीं कि वो बेकार है बेटा. उन non-living things के बिना ये जो आपके living things है ना, plants, animal, human being, इनकी life ही possible नहीं है. क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला ना, हम सबको फूड की क्यों जरूरत होती है? एनर्जी देता है, इससे हम स्ट्रांग होती है हमारी बॉडी, फिट और हेल्दी रहते हैं. फिर मैंने न्यूट्रिएंट्स की भी थोड़ी सी डिस्कशन कर दी. फिर प्लांट्स को मैंने बताया कि प्लांट्स ही प्रोड्यूसर है. अब देखो प्लांट्स, सोचो आप प्लांट्स कहाँ, हवा में लगते हैं? नहीं, सॉइल में. सॉइल, सॉइल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है. प्लांट्स के रूट्स किस में होते हैं? सॉइल में. बिकॉज एंड इट टेक वाटर. वाटर इज व्हाट? वाटर इज आल्सो नॉन लिविंग थिंग. एक सीड तभी जर्मिनेट करता है व्हेन इट गेट ऑल द थिंग्स. राइट टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो किससे मिलेगा? सनलाइट से. सनलाइट, तो सनलाइट भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है. अगर फूड नहीं होता हमारे प्लेनेट पे तो हम में से कोई जिंदा नहीं होता. तब लिविंग थिंग पॉसिबल होती? नहीं होती. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टोटली लिविंग थिंग्स डिपेंड अपॉन नॉन लिविंग थिंग्स फॉर देयर लाइफ. बिकॉज वेयर द प्लांट ग्रोथ, क्योंकि आपने ये पढ़ा ना कि प्लांट पे टोटली एनिमल और ह्यूमन बींग डिपेंड है.
क्योंकि हम लोग कंज्यूमर है, प्लांट ही प्रोड्यूसर है। अब प्लांट किस पे डिपेंड है, देखो सॉइल पे भी है, वाटर पे भी है, सनलाइट पे भी है ना, बिकॉज वेयर द प्लांट ग्रो, प्लांट ग्रो इन द सॉइल, और सॉइल में उसकी क्या होती है, रूट्स होती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ द रूट इट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, एंड वेयर आर द मिनरल प्रेजेंट, मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जिस तरह बेटा हमारी बॉडी है ना, हम क्यों फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट की बात क्यों करते हैं, क्योंकि फूड खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, बॉडी को स्ट्रांग रखते हैं, हम फिट और हेल्दी रहते हैं। तो इन द सेम मैनर्स प्लांट्स को भी तो उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए ना कुछ, तो प्लांट्स को मिनरल्स कहाँ से मिल रहे हैं, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल बिकॉज द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और वो क्या ऑब्जर्व करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, कौन करते हैं, लीव्स करते हैं, क्योंकि लीव्स में एक पिगमेंट होता है ग्रीन पिगमेंट, जिससे हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। दैट इज द रीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर और द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट्स के फूड में सनलाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अगर सन नहीं होता तो प्लांट्स ही नहीं होते, इज इट क्लियर। वाटर नहीं होता अगेन द प्लांट्स की लाइफ होती, प्लांट्स डेड होते, सॉइल नहीं होती तो प्लांट्स ग्रो कहां करते, इज इट क्लियर। सो जो प्लांट्स जिस पे हम टोटली डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, टोटली नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंड है। अगर सनलाइट, वाटर, सॉइल ये सब नहीं होती तो प्लांट्स की ग्रोथ होती, प्लांट्स होते प्लेनेट पे नहीं होते। ठीक है, सो दैट इज द रीजन ये नॉन लिविंग थिंग्स हमारे लिए, ये नहीं सोचना कि ये वेस्ट मटेरियल है, बेकार की चीजें, दीज नॉन लिविंग थिंग्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द लिविंग थिंग्स, इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट है, ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ए सनलाइट, जो मैंने आपको बताया, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ए क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, ग्रीन पिगमेंट है विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स, इसीलिए प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना उसे किचन हाउस बोलते हैं, किसका, प्लांट का। प्लांट के भी अलग अलग पार्ट हैं, रूट्स है, स्टेम है, बर्ड्स हैं, ब्रांचेज हैं, लीव्स हैं, फ्लावर होता है। सो विच प्ले अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्रिपेयरिंग द फूड, दैट इज द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, इज इट क्लियर। क्योंकि प्लांट्स की लीव में जो पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल बोलते हैं, वही अब्सॉर्ब करता है सनलाइट को। ठीक है, और स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स हैं वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स, हमारी लिविंग गैस क्या है, ऑक्सीजन, वी इनहेल सांस लेना, एक्सहेल सांस छोड़ना। सो विच गैस वी टेक ऑक्सीजन, एंड व्हेन वी एक्सहेल, व्हेन एयर कम आउट फ्रॉम आवर नोज, तो दैट वेस्ट मटेरियल वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन द सेम मैनर द स्टोमेटा जो टाइनी पोर्स हैं यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि प्लांट्स के लिए लिविंग गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इज इट क्लियर। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन विच इज टेकन बाई अस बिकॉज ऑक्सीजन इज आवर लिविंग गैस। ठीक है, सो ये हो गया लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये टोटल आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं इसके। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ऑल living things breathe, breathe मतलब सांस लेना। ठीक है, all living things breathe। ठीक है, अब from where we take the oxygen, हम कहां से लेते हैं, nose, human beings,
फर्स्टली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, ह्यूमन बींग्स, एंड दिस एयर फ्रॉम द नोज गोज इनटू आवर लंग्स. सो इन दिस मैनर वी ब्रीथ, वी टेक ऑक्सीजन एंड व्हाट कम्स आउट, क्या बाहर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड. जो ऑक्सीजन जाती है ना वो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करती है. इज इट क्लियर? सो दैट द एनर्जी इज रिलीज्ड. इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट है, वी ऑल नीड टू ब्रीथ. भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ब्रीथ तो बिना, अगर ऑक्सीजन नहीं आपके अंदर जा रही है तो इसका मतलब आप डेड हो गए हो, ठीक है. क्योंकि जब तक हम ब्रीथ करते रहते हैं इसका मतलब, हम लोग बोलते हैं ना सांसें चल रही हैं, अगर हमने ब्रीथ करना, सांस लेना बंद कर दिया, इसका मतलब हम वो पर्सन क्या है, डेड हो गया, ठीक है. अब उसकी लाइफ नहीं है, वो डेड, वो डाई, ही डाई, वो पर्सन मर चुका है, ठीक है. अब देखो इन दिस वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स, वो कौन अलग अलग ऑर्गन्स है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स की हमने बात की तो वी टेक एयर विद द नोज एंड देन इट गोज इन टू द लंग्स, ठीक है. तो लंग्स से हुआ. इन द सेम मैनर जो अदर एनिमल्स हैं लाइक कैट, कैट है, डॉग है, एलिफेंट बोल सकते हो, टाइगर बोल सकते हैं आप, एक्स्ट्रा. सो दीज एनिमल्स आल्सो हैव लंग्स, टू ब्रीथ. इन एनिमल्स के पास भी लंग्स है ब्रीथ के लिए, लाइक द ह्यूमन बींग्स, ठीक है. एक्स्ट्रा भी मैंने डाल दिया, और भी एनिमल्स है, आई हैव रिटन ओनली फ्यू वन ऑन द बोर्ड. सो दे ऑल लाइक अ ह्यूमन बींग, दे ऑल हैव लंग्स टू ब्रीथ. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं. सी नाउ वी विल डिस्कस अनदर लिविंग कैटेगरी, दैट इज फिश. सो हाउ द फिश ब्रीथ, अ फिश ब्रीथ through their gills, ठीक है. सो फिश जिस ऑर्गन से ब्रीथ करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, गिल्स बोलते हैं, ठीक है. GILLS गिल्स, ठीक है. नेक्स्ट है इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड फ्लाइज. इंसेक्ट में कॉकरोच है, कॉकरोच एंड फ्लाइज. सो हाउ दे ब्रीथ, थ्रो होल्स ऑन द सरफेस of their body, ठीक है. इंसेक्ट्स में कॉकरोच और फ्लाइज क्या है, हाउ दे बी ऑन द सर्फेस ऑफ देयर बॉडी, होल्स होते हैं उनके, ठीक है. विद द हेल्प दे ब्रीथ, इससे वो लोग ब्रीथ करते हैं, ठीक है. नाउ
एंड व्हाट वी से इट एज वी कॉल्ड इट स्पिरिकल्स स्पिरिकल्स एस पी आई आर ए सी एल ई एस स्पिरिकल्स इसे क्या बोलते हैं स्प्रिकल्स बोलते हैं ठीक है जो इंसेक्ट्स हैं फ्लाइज हैं उनके बॉडी पे स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट दे ब्रीथ ठीक अब नेक्स्ट है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स ये ऑलरेडी मैंने एक बार पहले भी बताया है जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स में फॉर एग्जांपल लीव्स हैं टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं ठीक है जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं स्टोमेटा सो इन दिस मैनर द प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा ठीक है यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है व्हेन द प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड जब प्लांट फूड प्रिपेयर कर रहा होता है ना तो यही ओपनिंग है स्टोमेटा यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है प्लांट क्या लेता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और व्हाट इट रिलीज इन दिस प्रोसेस इट रिलीज ऑक्सीजन गैस विच इज टेकन बाय अस इज इट क्लियर सो नाउ अब हमने ये डिस्कस किया इसे रिकैप्चुलेट करा देता हूं ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ब्रीथ करते हैं वेदर द मेथड ऑफ ब्रीथिंग इज डिफर ह्यूमन बींग्स की बात की एनिमल्स की बात की एनिमल्स लाइक मैंने अभी लिखे थे आई जस्ट रब द बोर्ड कैट है काऊ है डॉग है एलिफेंट है डियर सो दो ऑल हैव लंग्स ठीक है एयर तो नोज से ही लेते हैं लेकिन ये एयर जाती कहाँ है लंग्स में जाती है ठीक है तो दे ऑल हैव लंग्स टू ब्रीथ फिश अ फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स ठीक है फिर इंसेक्ट्स और कॉकरोच की जब बात की तो इनके बॉडीज पे होल्स होते हैं इनके बॉडी के सरफेस पे इन दिस मैनर दे कैन ब्रीथ ठीक है मतलब इनके पास फिश लोग की तरह गिल्स नहीं है ह्यूमन बींग्स की तरह इनके पास लंग्स नहीं है ठीक है सो दे ब्रीथ विद द होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी एंड दैट इज नोन एज स्पेरिकल्स दैट इज नोन एज स्पेरिकल्स ओके एंड आफ्टर दैट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट तो प्लांट के जो लीव्स में होते हैं टाइनी पोर्स होते हैं जिसे स्टोमेटा बोलते हैं सो दीज अ टाइनी पोर्स विच वी से स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ दीज प्लांट्स ब्रीथ आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड ठीक है और द थिंग्स यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स फ्रॉम द बोर्ड ऑल्सो क्योंकि पॉइंट में जब चीज़ों को रखोगे ना तुम्हें लगता होगा कि बहुत सी चीज़ें तो बुक की हैं ऐसा नहीं होता जब हम पॉइंट्स में नोट्स बना लेते हैं ना बेटा और व्हेन वी रिवाइज द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ दीज स्मॉल स्मॉल नोट्स देन इट गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग तब उससे बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है इसीलिए जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो बच्चे साइंस में जब ईवीएससी साइंस बन जाएगी हायर क्लासेस में फ्रॉम क्लास सिक्स तो बच्चे इसी तरह नोट्स बना बना के पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं सो दैट दे रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द चैप्टर ओके सो व्हेन यू आर वॉचिंग द वीडियो टेक आउट योर रफ कॉपी एंड मेक सेपरेट ईवीएस रफ कॉपी ठीक है ऐसी रफ कॉपी नहीं बनाई कि सारा सब्जेक्ट कर रहो फिर तुम्हें याद ही नहीं रहेगा इस चैप्टर को कहाँ लिखा था सो मेक अ सेपरेट रफ कॉपी फॉर द ईवीएस एंड यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ द नोट्स सो दैट दिस विल गिव यू अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस इन माई ऑनलाइन वीडियोज नाउ नेक्स्ट सी See the picture, living things grow and reproduce. ठीक है आप इससे देखो देखो this is what? This is a seed. From this seed, new baby plant comes out. ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है बर्ड है कली है यहाँ पे देखो फ्लावर बिल्कुल
ठीक है, यहाँ पे जो बर्ड है, यहाँ देखो इस पिक्चर में शो किया ना, फ्लावर अब बड़ा खिल गया, पहले बर्ड्स आती हैं ना, कलियाँ आती हैं, उसके बाद इट ओपन्स एंड ऑल द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स कम आउट, इज इट क्लियर? तो लिविंग थिंग्स ग्रो, ये इट इज़ शोन हियर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.